हेलो एवरीवन, दिस आर प्रियंका गौर, वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम करेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में बात। ये है हमारी मेटाफिजिकल पॉइंट्स पर सेकंड वीडियो। इससे पहले हम ऑलरेडी जॉन डन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और उसी वीडियो में हमने मेटाफिजिकल जो पोइट्री है पूरी उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचार्ड क्रशो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट का जो लाइफ स्पैन है 1593 to 1633, ये एक प्रीस्ट रह चुके हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में। तो आप ये कह सकते हो कि इनका एक रिलीजियस बैकग्राउंड रह चुका है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीस्ट रह चुके हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में। और इन्होंने पन्स का बहुत यूज़ किया है। हालांकि कंसीट्स तो मेटाफिजिकल पोइट्री का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ही, इन्होंने साथ ही साथ पन्स का बहुत यूज़ किया है, कॉन्क्रीट इमेजरी का यूज़ किया है। जब आप इनके वर्क पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके की कॉन्क्रीट इमेजरी, बिल्कुल आपको इनकी पोएम्स जब देखेंगे तो आपको पोएम का स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरीके, किस बारे में लिखी गई है ये पोएम, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्क्रीट इमेजरी का यूज़ किया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इनकी पक्का पता होनी चाहिए, राइट। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, इनके जो बायोग्राफर रहे हैं उनके बारे में भी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जॉन डन के बारे में जब हमने पढ़ा था तब उनकी बात की थी। देखिए, आइजेक वोल्टन जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी। आइजेक वोल्टन है कौन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये एक बायोग्राफर है, फेमस बायोग्राफर रहे हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी कंप्लीट एंगलर, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने बहुत सारे फेमस पोइट्स को उठाया, उनकी बायोग्राफी को इन्होंने यहाँ पर लिखा है, उनकी बायोग्राफी यहाँ पर दी है इस वर्क में, सिर्फ एक इस सिंगल वर्क में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन याद है कि मेटाफिजिकल पोइट्स के क्या सारे ही पोइट के बारे में इन्होंने लिखा है? नो, इन्होंने जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में इन बायोग्राफी जो है वो दी है इन्होंने कंप्लीट एंगलर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इनके बायोग्राफर कौन रहे हैं, और जॉन डन के सेम बायोग्राफर रहे हैं आइजेक वोल्टन, कंप्लीट एंगलर उन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। तो हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली है। इन्होंने तीन लैंग्वेज में वर्क लिखा है, लेटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश, ओके। चलो अब इनके वर्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनका वॉल्यूम आता है वो है द टेंपल, जो कि 1633 में पब्लिश हुआ था। अगर इस ईयर की बात करें तो इसी टाइम पर ना जॉन डन का एक सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो कि इनका एक वॉल्यूम है, इसमें भी बहुत सारी इनकी पोएम्स थी, वो यहाँ पर इसी ईयर में पब्लिश होता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेम ईयर कोइंसिडेंटली जॉन डन की सॉन्ग्स एंड सोनेट भी इसी ईयर में पब्लिश होती है। अब जो ये द टेंपल है, इसके अंदर वॉल्यूम्स हैं किसकी, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। अब पोएम्स कौन सी हैं, सारी पोएम रिलीजियस हैं, मतलब हर पोएम में भगवान का जिक्र किया गया है और हर पोएम में इन्होंने एंथुजियाज्म दिखाया है फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और इन्होंने कंसर्न शो किया है फॉर द प्रैक्टिकल थियोलॉजी ऑफ चर्च, राइट। तो इन्होंने ये सारा जो वर्क लिखा, ये सारा लिखा है भगवान के ऊपर, सब बिल्कुल रिलीजियस बेस्ड पोएम्स हैं इनके अंदर। तो जितनी भी आज के टाइम पर इनकी सर्वाइवल पोएम्स हैं वो किसके अंदर हैं, द टेम्पल के। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है, इसका एक सब टाइटल है द टेम्पल का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्रेड पोएम्स, सेक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट इजैक्यूलेशंस, यहां पर ऐसा है, ठीक है, इजैक्यूलेशंस। तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है, पूरा सब टाइटल, सेक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट इजैक्यूलेशंस, राइट। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं, द विंडो। अब देखिए, जो ये पोएम है द विंडो, इसमें ना इन्होंने इस टाइप की कंसीट यूज की है, बिल्कुल डिसिमिलर है जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइक पूरी मेटाफिजिकल पोइट्री की। इस पूरे स्कूल की बात करें, इन्होंने कंसीट का यूज भर भर के किया है, है ना। तो देखिए, ये ना इस द विंडो में जो प्रीचर है ना, प्रीचर कौन होता है,
जो चर्च में प्रीच करता है, सरमन्स प्रीच करता है, तो प्रीचर को किससे इन्होंने कंपेयर किया है? ग्लास से। अब देखिए कितना अजीब सा एक कंपैरिजन है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना ये पोम तो आपको पता चलेगा कितना लॉजिकल इन्होंने बोला है। देखिए कि जो इन्होंने कहा जिस तरीके से ये जो ग्लास है इसमें शाइन होती है, उसी तरीके से जो प्रीचर के वर्ड है ना उसमें गॉड की शाइन दिखती है, गॉड शाइन होते हैं, राइट। इन्होंने ऐसा कंपैरिजन इसमें किया है। नेक्स्ट है इनका वर्क द ऑल्टर। अब देखिए जो द ऑल्टर है ना इसको इन्होंने कंक्रीट इमेजरी में दिखाया है, बिल्कुल आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये किसके बारे में है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहले कुछ लार्ज लाइक लार्ज वर्ड लिखे हैं पोम में, फिर शॉर्ट वर्ड लिखे हैं और फिर लार्ज वर्ड लिखे हैं, तो पूरा एक ऑल्टर शो किया है, जिसे ये कह सकते हैं। एक्चुअली में ऑल्टर होता क्या है, ये एक टेबल होती है, सेरेमोनियल टेबल, जहाँ पर चर्च में लाइक ट्रेडिशनल जो भी सेरेमनीज होती हैं वो उस पर की जाती हैं, जैसे सैंक्टिफिकेशन, सेक्रीफाइसेस एंड ऑल, ठीक है, वो उस टेबल पर की जाती हैं। तो वो इन्होंने बिल्कुल टेबल की तरह से, ऑल्टर की तरह पोएम भी लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर विंग्स। अब इन्होंने इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं ना वो ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे, तो आपको ऐसे लगेगा कि साइडवेज में वर्ड्स को दिखाया हुआ है। जब आप इनके पोएम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने वर्ड्स को ऐसे साइडवेज में लिखा है। आप कह सकते हो देखते ही ये किसी बर्ड्स की विंग्स दिखाई गई हैं, तो ये कह सकते हो कि इस तरीके की कुछ इन्होंने कॉन्क्रीट इमेजरी यूज़ किया, और इनमें ये कहना चाहते हैं कि ये फ्लाई करना चाहते हैं लाइक विद जीसस क्राइस्ट, और इसमें इन्होंने जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस की बात की है, रेजरेक्शन की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है इनका द कॉलर। अब ये जो है लिखा गया था 1633 में, और ये कुछ 36 लाइन की पोयम है, 36 लाइंस की ये पोयम है। द कॉलर में इन्होंने ये दिखाया है कि ये रिलीजियस बिलीफ से बाहर जाना चाहते हैं, और इस टाइम पर ना जॉर्ज हर्बर्ट स्ट्रगल कर रहे थे अपने रिलीजियस बिलीफ से, तो ये कहते हैं कि ये जो रिलीजियन है इसे बाहर जाकर कुछ फ्रीडम ढूंढने की बात करते हैं इसमें, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये इनका वर्क, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका प्रॉपर आप एक बार समरी देख लेना। फिर बात करते हैं द पर्ल की। इसमें ये क्या कहते हैं कि जो गॉड है उसके लिए इन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, ये इसमें गॉड को एड्रेस करते हैं और गॉड को बताते हैं, उनके सामने कुछ चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को रिनाउंस किया है, चीज़ों को छोड़ा है, किसके लिए, सिर्फ गॉड के लिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने तीन चीज़ों का जिक्र किया है, तीन वर्ल्डली थिंग्स का जिक्र किया है, जो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सेंटेंस में। तीन स्टेंजाज हैं, तीन स्टेंजा में तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है, लर्निंग, ऑनर एंड प्लेजर। किनका? लर्निंग, फिर है ऑनर एंड देन प्लेजर। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने वर्ल्डली थिंग्स को रिनाउंस किया है। आगे इनके जो वर्क हैं, ये जो मैंने अभी वर्क बताए जिनको मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जो ये वर्क हैं ये सिर्फ आप नाम पढ़ लेना, इट्स इनफ। एफ्लिक्शन, मैन, पैराडाइज, आउटलैंडिश प्रोवर्ब्स, इसके अंदर इन्होंने फॉरेन प्रोवर्ब को ट्रांसलेट किया है, चर्च, मोन्यूमेंट्स एंड हेवन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब रिचर्ड क्रशो जो हैं इनका लाइफ स्पेन है 1612 टू 1649, और इनका भी एक रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि ये एक प्यूरिटन क्लर्जी मैन के सन थे, ही वॉज अ सन ऑफ प्यूरिटन क्लर्जी मैन। इनके वर्क देख लेते हैं, स्टेप्स टू द टेम्पल, ये लिखा गया था 1646 में। अब आप इनके द टेम्पल हमने जॉर्ज हर्बर्ट में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा स्टेप्स टू द टेम्पल, तो कन्फ्यूज मत होना, चीज़ों को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स टू लगाया है, स्टेप्स टू द टेम्पल। अब ये भी एक वॉल्यूम है बहुत सारी पोएम्स का, तो यहाँ पर जितनी पोएम्स है सारी पोएम्स रिलीजियस पोएम है, ठीक है। लेकिन जो ये पोएम है ना ये इन्फ्लुएंस हुई है मरीनो से। मरीनो कौन है? एक इटालियन पोएट है जिनका पूरा नाम है जियाम
बटेस्टा मरीनो, ठीक है, ये इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने कुछ रिलीजियस पोएम्स लिखी हैं जो कि एक इटालियन पोएट थे, ठीक है, और साथ ही साथ ये स्पेनिश मिस्टिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस हुए। अब स्पेनिश मिस्टिक्स क्या होता है, देखिए जब एक कम्युनियन हो या एक कम्युनिकेशन हो जीसस क्राइस्ट के साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ, और उस मिस्टिक कम्युनिकेशन को जब वर्ड्स से एक्सप्रेस किया जाए उसे कहा जाता है स्पेनिश मिस्टिक्स। जब गॉड के साथ या जीसस क्राइस्ट के साथ एक मिस्टिक कम्युनिकेशन हो और फिर उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करें उसे कहा जाता है स्पेनिश मिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने रिलीजियस पोएम्स में स्पेनिश मिस्टिक्स को शो किया है और इन्होंने दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट के साथ एक कनेक्शन। इनकी बहुत सारी पोएम्स रिपब्लिश हुई थी इस बुक में, बुक का नाम याद रखना कार्मेन डियो नोस्ट्रो। इसमें बहुत सारी बुक रिपब्लिश हुई थी या फिर ये कह लो रीप्रिंट हुई थी इस बुक में, और इस बुक का एक सब टाइटल और है हिम टू अवर लॉर्ड, ठीक है, तो सब टाइटल याद रखना, सब टाइटल पूछ लिए जाते हैं, राइट। इन्होंने कंसीट्स का बहुत यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि मेटाफिजिकल जो स्कूल ऑफ पोइट्स है उसमें कोलोक्वियल लैंग्वेज यूज़ होती है और भी बहुत सारे अदर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पर जो रिचर्ड क्रशो हैं वो यूज़ नहीं करते। लाइक रिचर्ड क्रशो ने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिखाए, कोई कोलोक्वियल लैंग्वेज नहीं दिखाई है, कोई कॉन्क्रीट इमेजरी नहीं शो की है, लेकिन इन्होंने कंसीट्स का भरपूर यूज़ किया है, तो इसी वजह से इनको मेटाफिजिकल पोइट्स में डाला गया है। अदरवाइज और अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मेटाफिजिकल पोइट्स से इनकी मैच नहीं होती हैं। अब वर्क इनके देख लेते हैं, द फ्लेमिंग हार्ट, जिसमें इनका कंसीट बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शो किया है, और ये जो वर्क है द फ्लेमिंग हार्ट, ये एड्रेस करते हैं, ये वर्क डिवोट करते हैं सेंट टेरेसा ऑफ अवलिया को। अब ये एक नोबल विमेन है जो जीसस क्राइस्ट की फॉलोअर रही हैं। अपॉन द इन्फेंट मार्टियर्स, अब यहाँ पर ये जो वर्क है अपॉन द इन्फेंट मार्टियर, ये इन्फेंट के बारे में वर्क है, इसकी समरी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट वर्क है। हम मैं समरी को इसमें जानबूझ के डेलिब्रेटली मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ कि उसको हम अलग लेते हुए कभी चलेंगे, ठीक है, तो समरी आप लोग इसकी एक बार कर लेना। नेक्स्ट इनका वर्क है अ लेटर टू द काउंटेस ऑफ डैनबिग। अब देखिए यहाँ पर ये जो काउंटेस वर्ड है इस पर ध्यान देना, एक्चुअली ये क्या है, ये सिविल वॉर के टाइम पर एग्जाइल कर गए थे या चले गए थे ये बाहर, और ये पेरिस में एक काउंटेस से मिले थे, ही मेट विद अ काउंटेस। जो काउंटेस है ना रोमन कैथोलिसिज्म है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करती, इसी वजह से यहाँ पर रिचर्ड क्रशो जो ये काउंटेस है ना इनको कहते हैं, इनको परसुएड करते हैं टू टेक हर फाइनल स्टेप्स टू लाइक गेट इंडल्ज इनटू रोमन कैथोलिसिज्म, राइट। अब इनका नेक्स्ट वर्क है हाइम, और फिर इनका नेक्स्ट वर्क है द वीपर, जो वर्क एड्रेस किया है इन्होंने मैरी मैग्डलिन को। अब जो ये लेडी हैं, जो ये नोबल विमेन है, ये जीसस क्राइस्ट की फॉलोअर रही हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन पता है ना, जब सूली पर चढ़ा दिया गया था उनको, और उनके रेजोरेक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइक मरने के बाद वापस आ जाए, एक इनकारनेशन जिसे कहते हैं, तो मैरी मैग्डलिन ऐसा कहा जाता है कि ये विटनेस रही हैं जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के टाइम पे, उनके बर्थ के टाइम पर, उनके रेजरेक्शन के टाइम पर, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस के टाइम पर, इसलिए ये वर्क द वीपर इन्होंने मैरी मैग्डलिन को एड्रेस किया है। जो आगे पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।